हेलो फ्रेंड्स, शोभा पोरवाल क्रिएशंस में आज हम देखेंगे नवरात्र के समय जो हम अच्छे ज्वारे लगाते हैं उसके लिए किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करें। मिट्टी हमें मार्केट में मिल जाती है, नर्सरी में, पूजा की शॉप में भी मिल जाती है। और अगर आपको मिट्टी चाहिए तो आपके घर के आसपास जो भी गार्डन हो उसमें से किसी साफ जगह से भी आप मिट्टी ला सकते हैं। यह मिट्टी है, साधारण मिट्टी है जिसमें हम पौधे लगाते हैं। यह नर्सरी से लाई हुई है। इसमें से आप सभी कंकड़ पत्थर चुन लीजिए। जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं और इसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस्तेमाल से पहले हम देखेंगे कि इसमें हम क्या चीज़ मिलाएं तो हमारे ज्वारे जो हैं वह और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसमें आप करीब आधी कटोरी के करीब आप सैंड मिक्स कर दीजिए। इस तरह से हम इसमें सैंड मिक्स कर देंगे और इसे हम पॉट में भर देते हैं। यह देखिए, इस तरह से पॉट में हम ले लेंगे। अब सैंड मिश्रित मिट्टी में अगर आप ज्वारे लगाएंगे तो आपके ज्वारे बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम इसमें इस तरह से ज्वारों को बिछा देते हैं, जौ को। ये जौ के ज्वारे हैं और जौ को हमने भिगोया नहीं है। जितने घने जौ लगाएंगे उतने अच्छे ज्वारे होंगे। इसके बाद हम इसे फिर मिट्टी से ढक देते हैं। बालू मिश्रित मिट्टी है, इसमें हमारे जौ की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। मिट्टी पूरी कवर हो जाएगी उसके बाद हम इस मिट्टी में पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि नीचे से ऊपर तक पूरी मिट्टी हमारी गीली हो जाए। और जो जौ ऊपर दिख रहे हैं उन्हें हम दबा देंगे। और इस पॉट को किसी प्लेट से हम कवर कर देंगे 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स के बाद प्लेट हटाने के बाद हम इसे दोबारा कवर नहीं करेंगे। आप देखेंगे छोटे छोटे अंकुर इसमें काफी परसों निकल आए हैं। अच्छे ज्वारे बनाने के लिए कई लोग किसी भी तरह का कोई कंपोस्ट खाद मिला देते हैं, चाहे वो पत्ते की खाद हो या गोबर की खाद हो। यह भूल कर भी मिक्स ना करें। अगर किसी भी तरह के कंपोस्ट को या खाद को आप मिक्स करेंगे मिट्टी में तो आप देखेंगे कि अच्छे ज्वारे होने की बजाय आपके ज्वारे जो हैं वह स्पॉयल हो जाएंगे और उनमें फंगस लग जाएगा। हमने देखा किस तरह की मिट्टी हमें अच्छे ज्वारों के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। यह एब्सोल्युटली फ्री है। धन्यवाद।